आगाज करता हूं अपने सफर का अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। या रब हमारी शमशीरों को जुल्फिकार जैसी काट अता फरमा और हमारे दिलों को हजरत अली जैसी शुजाहत से पुर कर दे। खैरियत? बहुत रंजीदा हूं मैं। आओ बैठो यहां। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मगर दिल पर बोझ है मेरे। मुश्किल खड़ी कर दी मैंने। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर मेरे लोग तो बेकसूर हैं। तुमने तो सिर्फ फर्ज पूरा किया है अपना मेरे बेटे। तुम्हारे इल्म में नहीं था ये कि ऐसा हो जाएगा, और तुम किन लोगों के खिलाफ जा रहे हो तुम्हें इस बात का भी इल्म नहीं था। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा कभी भी किसी मजलूम पे ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है वालिदा। तुमने बिल्कुल ठीक किया, दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त किस मोड़ पे ले आई ये जानना किसी के बस में नहीं। किस्मत के लिखे को कभी कोई अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता, यही हकीकत है। हमें तस्लीम करना पड़ेगा। अब जबकि इस आग में ना चाहते हुए भी कूद ही चुके हैं, तो इस लड़ाई में मजबूती से लड़ना है। हमें एक दूसरे की हिम्मत बांधनी है ताकि हमारी ताकत से दुश्मन की नींदें उड़ी रहें। यह अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में तुम्हें शिकस्त भी हो सकती है और फतह भी। अपने हौसले को बुलंद रखना होगा। तुम्हें किसी की भी बातों पर कान धरने की जरूरत नहीं है। एक जंगजू की तरह सोचना होगा तुम्हें। अपने बाबा के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहो। अल्लाह आपका और बाबा का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर रहे।